बादल, एक परिवार को 5 साल में 3,60,000 नगद। भारतीय सेना ने LOC पार कर पाकिस्तान की चौकी को किया तबाह। अब खबरें विस्तार से। नागपुर एक बार फिर शहर में मौसम का मूड बदल गया। दोपहर को अचानक तेज व गर्म हवाएं चलने लगी और थोड़ी देर बाद हवा ठंडक में महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास कहीं बारिश हो रही है। गुरुवार दोपहर 2 बजे के बाद मौसम बदला और फिर देखते ही देखते आसमान में काले बादलों का डेरा जमना शुरू हो गया। बिजली कड़कने लगी और साथ ही साथ बादल भी गरजने लगे। कुछ देर में अच्छी बारिश होने लगी। करीब आधे घंटे तक नागपुर का यह नजारा बारिश में बदल गया। एक परिवार को 5 साल में 3,60,000 देंगे, चोरों से रुपया वसूल कर गरीबों को देंगे, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। सालाना 72,000 रुपए की योजना को लागू कर हम गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं। इस योजना के चलते देश को 5 करोड़ परिवार में प्रत्येक परिवार को 5 साल में 3,60,000 रुपए देने का। साथ ही राहुल ने BJP पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र को भाजपा के पास अमीरों को देने के लिए रुपया है, ना कि गरीब के लिए। श्रीनगर पिछले कुछ समय से पाकिस्तान की ओर से कश्मीर घाटी में लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर गोलीबारी की जा रही है। इस गोलीबारी में गुरुवार को भी 3 लोग घायल हुए थे। राजौली में हुए गोलीबारी में BSF जवान समेत 5 साल की बच्ची की जान चली गई थी, लेकिन अब भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान सेना संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए अपनी चौकी से भारतीय क्षेत्र में लगातार गोलीबारी कर रही थी। जवाबी कार्यवाही करते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कई चौकियां नष्ट कर दी थी। इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की ओर से 3 जवान मारे गए थे। भारतीय रक्षा सूत्रों के अनुसार जवाबी कार्यवाही में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की 7 चौकियां तबाह कर दी है। तो MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।